स्विच ऑन, स्विच डाउन, स्विच ऑफ, सुनने में ऐसे नहीं लगता ना कि ये कोई क्रिकेट से रिलेटेड चीज है, बट अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये स्विच ऑन स्विच डाउन होता क्या है? जनरली टॉप परफॉर्मेंस के लिए आपका फोकस लेवल पीक पे होना चाहिए, पर क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पीक फोकस लेवल ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैटिंग करते हैं तो एक फास्ट बॉलर के पहला बॉल और दूसरे बॉल के बीच में काफी वक्त होता है। अब अगर आप एक बैट्समैन हैं और आप 100 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 से 3 घंटे बैटिंग करना जरूरी है। अब इज इट पॉसिबल कि आपका पीक फोकस इतने ज्यादा टाइम तक हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे आप यहां देख सकते हैं, रिसर्च कहता है कि वर्किंग इन स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम विद रेस्ट पीरियड इन बिटवीन कैन हेल्प विद फोकस सिंस आर अटेंशन टेंड्स टू वेन आफ्टर अ सर्टन पीरियड। हाउ लॉन्ग दैट टाइम पीरियड लास्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अब एक्सपेरिमेंट करके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है। इसलिए इन बिटवीन बॉल्स, ओवर्स एंड ब्रेक्स आपको फोकस स्विच ऑन स्विच डाउन करना बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन का जो पेट्रोल है ना, वो कंटिन्यूसली यूज करते रहोगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको तभी यूज करो जब उसकी जरूरत है। अब इसे इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहले आता है सॉफ्ट फोकस, पीक फोकस। सब प्लेयर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, सबका कॉन्सेंट्रेट करने का स्टाइल अलग होता है। इनका यहाँ पे क्या कहना, ये अलग ही स्पीशी थे, बिल्कुल ही बिंदास अप्रोच, एक्चुअली इनके लिए परफेक्टली वर्क करता था। माइंड यू, ये गा जरूर रहे लेकिन ये अपने पीक कॉन्सेंट्रेशन पे। सिमिलरली मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त राहुल देवान, जो जबरदस्त ओपनर थे, वो डेज के मैच के लंच या टी में जब नॉट आउट होते थे तब 5 साल तो मेरे ही सामने एक ही गाना सुनते थे। अब इस गाने का गेम से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट उनके सॉफ्ट फोकस मोड के लिए ये काम करता था। सो एज आई सेड, सबका स्टाइल अलग है, जो आपके परफॉर्मेंस को बेटर करता है आप बिंदास करो। इन बिटवीन बॉल्स या इन बिटवीन ओवर्स प्लेयर्स अपने आप को स्विच डाउन मोड पे कर लेते हैं, बट जैसे ही बॉलर रन अप लेता है दे कम इन टू अ जोन ऑफ शार्प फोकस विच मीन्स पीक फोकस। आइडियली एक बैट्समैन के कॉन्टेक्स्ट में इन बिटवीन बॉल्स आप सॉफ्ट फोकस रखें। इसका ये मतलब है कि आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉलर कैसे टाइप की बॉलिंग कर रहा है, कैप्टन फील्डर्स कहाँ सेट कर रहा है, गैप्स किधर हैं, एंड हल्का फील्डर कौन सा है। बेसिकली यू आर रिलैक्स्ड बट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। इन ब्रेक्स एंड इन बिटवीन ओवर्स आपको स्विच डाउन मोड पे रहना चाहिए, जहां पे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, अपना ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दो, स्विच डाउन मोड में रहो बट रेडी टू स्विच ऑन जैसे ही प्ले रिज्यूम्स। एट द बॉलर रन अप आप पीक फोकस की तरफ टिल्टेड हो, एंड एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग या बैकफुट कॉन्टैक्ट ऑफ अ बॉलर आप अपने पीक फोकस पे हो एंड रेडी टू प्ले द बॉल। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो स्विच ऑन स्विच डाउन यहां भी बहुत जरूरी है, बट थोड़ा फर्क ये हो जाता है कि बॉलिंग एक एक्शन है एंड बैटिंग एक रिएक्शन, तो इन बिटवीन बॉल्स बॉलर्स का नेक्स्ट बॉल का प्लान करना जायज है। एट द सेम टाइम इन बिटवीन स्पेल्स एंड ओवर्स बहुत जरूरी है कि वो फोकस को, पीक फोकस और सॉफ्ट फोकस को यूज कर। ज्यादा इश्यूज बैट्समैन को होता है क्योंकि वो कई बार पहले ही अजम्पशंस बना लेते हैं कि बॉल अंदर मारेगा या बाउंसर होगा, सो वी नीड टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल। इसके बारे में मैंने अपने फोकस के वीडियो में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप इसको जरूर देखना। सेकेंड चीज है ट्रिगर मूवमेंट्स। यहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब भी बॉलर रनअप पे पहुंच के भागना शुरू करे, आप अपने आप को पीक फोकस में लाने के लिए एक वर्ड बोल सकते हो या कोई एक मूवमेंट कर सकते हो जो आपको सूट करे और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, कई प्लेयर्स बॉल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या नाउ बोलते हैं। सिमिलरली कई प्लेयर्स 2 डीप ब्रेथ लेते हैं, 1 ब्रेथ लेके कम ऑन बोलते हैं। इट कैन बी एनी थिंग, द पॉइंट इज दैट आप अपने आप को पीक फोकस पे लाने की कोशिश कर रहे हो। अभी कल ही मैं अपने एक प्लेयर को प्रैक्टिस करा रहा था, एंड ही केम अप एंड ही सेड कि सर आपको हो सकता है ये फनी लगे, बट मैं जब भी फोकस लूज करने लगता हूँ तो मैं 3 डीप ब्रेथ लेता हूँ
एंड ऑटोमेटिकली बैटिंग बेटर होने लग जाती है. देन मैंने उससे बोला कि इसमें कुछ फनी नहीं है, बल्कि इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दिस बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ड्रेन होने लगेगा एंड वही टाइम है जब आपको एक रिमाइंडर देना होगा कि आई नीड टू गेट बैक टू माई पीक. सो स्लीपिंग वेल एंड ईटिंग राइट एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है बिकॉज ये दोनों आपके फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं. एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक इंपॉर्टेंट मैच के एक दिन पहले आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया या गलत खा लिया, आप अपने बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं, यू विल बी अनकम्फर्टेबल द होल ऑफ नेक्स्ट डे. तो क्या आप अपना फोकस कर पाओगे? ये बस एक एग्जाम्पल है. जंक और अनबैलेंस्ड डाइट से टॉक्सिसिटी बहुत फॉर्म्स में आ सकती है और जो इन टर्न आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगी. सिमिलरली एक एथलीट के बॉडी को मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद और समटाइम्स इवन मोर डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड की जरूरत होती है. इतना फिजिकल एंड मेंटल लोड के बाद बॉडी रिचार्ज सोने से और रेस्ट से ही होता है. कमिंग टू ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग एक बहुत ही अच्छा वे है टू रिलीज टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर बॉडी. ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे. इसी प्रकार सोने के पहले 10 मिनट आप अपनी फोकस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं विजुअलाइजेशन करके. विजुअलाइजेशन पे भी मैंने यहाँ वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करें और देख सकते हैं. अब चौथी चीज है, डोंट ट्राई टू हार्ड. जब किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो नहीं हो पाएगा. अगर आप अपने आप को ओवर फोकस करने की कोशिश करोगे तो उसका उल्टा ही होगा. जैसे बैटिंग बोलिंग फील्डिंग की आप प्रैक्टिस करते हो, इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. टाइम देना होगा और जितना आपको ये बात समझ आती जाएगी उतना आप रिलैक्स होते चले जाओगे. नाउ कमिंग टू स्विच ऑफ, क्या स्विच ऑफ और स्विच डाउन में फर्क है? स्विच ऑफ का मतलब है कि आप कंप्लीटली अपने आप को ऑफ कर लो, नॉट थिंकिंग अबाउट द गेम. एंड स्विच डाउन का मतलब है, जैसे मैंने वीडियो में पहले बात की थी, कि आप रिलैक्स मोड में हो बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द गेम, जैसे इन बिटवीन ओवर्स, लंच और टी ब्रेक. जब हम स्विच ऑफ की बात करते हैं तो दैट मीन्स दैट यू आर टोटली ऑफ द स्पोर्ट एंड नॉट स्ट्रेसिंग ओवर इट. इससे लॉन्ग टर्म आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस भी बेटर होगी एंड आप ऑफ फील्ड होके रिलैक्स कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल ऑफ पुजारा एंड राहुल द्रविड़, और उन्होंने भी इसके इंपॉर्टेंस का जिक्र किया. पुजारा ने राहुल द्रविड़ को मेंशन करके स्विचिंग ऑफ की इंपॉर्टेंस समझी. राहुल द्रविड़ ने खुद बताया कि जब वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे तब उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि कैसे वहां प्लेयर्स इनिंग्स या मैच के बाद स्विच ऑफ हो जाते थे, कैसे वहां पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखा जाता है, व्हाई क्रिकेट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड देयर एंड देयर इज लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट. इसी माइंडसेट की कंट्रीब्यूशन से ही हैड द बेस्ट 8 to 9 इयर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल गेम आफ्टर दैट. तो ओवरऑल स्विच ऑन स्विच डाउन स्विच ऑफ करना एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू गेट बेटर एज अ प्लेयर एंड वर्क टुवर्ड्स बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आप इससे अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द क्रिकेट मैनुअल एंड ये वीडियो शेयर करें एंड कीप इम्प्रूविंग.